हम बात कर रहे हैं वार्ड नंबर 9 के गार्डन की, जहां पर कलबुर्गी महानगर पालिका और कलबुर्गी सिटी पुलिस ने मिलकर एक अनोखा काम किया। जहां यहां पर यंगस्टर्स खास करके इस गार्डन को वेस्ट कर रहे थे और आसपास के लोग कचरा डाल रहे थे, इसको इम्प्रूव करने के लिए यहां पर अब एक फुटबॉल ग्राउंड बनाया गया है। एक नई सोच, एक नई उम्मीद लेकर आइडा मार्टिन ने फुटबॉल ग्राउंड का प्रपोजल रखा और इसको बरखूबी कलबुर्गी सिटी पुलिस के कमिश्नर सतीश कुमार जी और स्नेहा लोखंडे कलबुर्गी महानगर पालिका के कमिश्नर ने आगे बढ़े। हिंदुस्तान के अंदर फुटबॉल के लिए ज़्यादा स्पेस नहीं है, लेकिन अगर इस तरह की सपोर्ट वार्ड वाइज और एरिया वाइज दी जाएगी तो ज़रूर गुलबर्गा शहर से भी एक नेशनल फुटबॉल प्लेयर निकलेगा। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर सतीश कुमार जी यहां पर मौजूद थे, साथ ही साथ डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री किशोर बाबू जी और ACP अंशु कुमार जी और पुलिस डिपार्टमेंट एंटायरली यहां पर मौजूद था। इसके साथ साथ मेहमान खसूसी में जनाब अली अल हुसैनी साहब प्रो चांसलर केबिन यूनिवर्सिटी यहां पर मौजूद थे और साथ ही साथ इंडियन नेशनल फुटबॉल प्लेयर जो ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करे थे हकीम सार यहां पर मौजूद थे। इसके अलावा स्पॉन्सर्स के अंदर यूनुस खान, KTS, आकिबुल हुसैनी साहब, अब्दुल सलाम, साबिर साहब, एडवोकेट कलीम मोहम्मद और ऐसे कई सारे लोग मौजूद थे जिन्होंने इस फुटबॉल फील्ड में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट किया है। बिलालाबाद मस्जिद कमेटी ने फेलिसिटेशन प्रोग्राम किया जहां पर सभी डिग्नेटरीज को फेलिसिटेट किया गया। उसके बाद ये फुटबॉल मैच स्टार्ट हुआ। ये बस एक फुटबॉल मैच नहीं है बल्कि एक नई उम्मीद है हर एरिया वाइज, जहां पर आप देख सकते हैं कि गार्डन को सही इस तरह का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है और आसपास में गंदगी हो रही है। तो स्नेहल लोखंडे जो कि कॉर्पोरेशन कमिश्नर है वो काफ़ी एक्टिव हैं और इस तरह का सपोर्ट अगर उन्हें पुलिस डिपार्टमेंट से मिलता है तो फिर वो दिन दूर नहीं जब हम अलग अलग एरियाज़ के अंदर क्रिकेट फील्ड्स, फुटबॉल, बास्केटबॉल, इस तरह के स्पोर्ट्स को हम एंटरटेन कर सकते हैं। याद रखिए, स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर यंगस्टर्स बुराई से बच सकते हैं। आइए देखते हैं इस इवेंट के शॉर्ट हाइलाइट्स और देखते हैं कि इस इवेंट में आने वाले डिग्नेटरीज क्या कहना चाह रहे हैं। हकीम सर, आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं गुलबर्गा शहर हैदराबाद के लिए, आप एक बहुत बड़ी मशहूर शख्सियत, बट आई थिंक समय और रन जो लोगों के अंदर एक फेमस पर्सनालिटी के लिए जो होना चाहिए था, आई थिंक समय और फुटबॉल को वो पहचान नहीं मिल चुकी, लेकिन आज आइडा मार्टिन की एक नई विजन और मिशन के साथ आप जुड़ चुके हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे सर? इत्तेफाक की बात है, मैं कमिश्नर एजुकेशन के पास गया था किसी काम के सिलसिले में, हमने कार्ड दिया उनको, नली नतुल को, उन्होंने कहा कि साहब मैं भी तो फुटबॉलर हूँ, बिहार का हूँ। उन्होंने अभी कार्ड लिया, मार्टिन साहब को दे दिया। मार्टिन साहब का फ़ोन आया, कहने लगे आप सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा आ जाऊँगा, मैं गाड़ी भेज रहा हूँ। गए तो ये गुज़िश्ता ये शायद जून की बात है, मई जून की बात है, मैं कुछ पुलिस ग्राउंड चले जाया करता था, फिर मुझे कोरोना हो गया, मैं हैदराबाद चले गया। आने के बाद 2 महीने मैं ऐसे रहा, फिर ये मेरे पीछे थे कि अभी अब जाइए उत्तर कन्नड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ तो काफ़ी टीमें आई थी, धारवाड़ की, बेलगाम की, बेलारी की, दोनों का सर मेरी टीम को कोचिंग कर दें। इत्तेफाक की बात है, लगा ऐसा नहीं कि हम जीत गए, कोई मुझे छोड़ते नहीं हर जगह उसमें। अभी रेफरीज का एग्जाम करवा वहाँ भी ले गए थे। मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये इतनी अच्छी एक्टिविटी आप देख रहे हैं मैदान पर, किसी बच्चे के हाथ में मोबाइल नहीं है। हम लोग इनको बच्चों को एक्टिविटी देते नहीं हैं, फिर बच्चों को बुरा बोलते हैं कि भाई ये खेलता नहीं, पढ़ता नहीं, ये तो मोबाइल में है। आप एक्टिविटी देंगे तो ज़रूर लोग आएंगे। देखिए, एक तो एक नज़म ज़ब्त है, डिसिप्लिन है, और सबसे बड़ी बात हेल्थ है। हम बचपन पढ़ते हेल्थ इज़ वेल्थ बोलते रहे हैं, तो हम जो है मगर अब हेल्थ के लिए हम क्या फ्राहम करें। मैं समझता हूँ कि हमारे खासतौर पर शहर के हिस्से के लोगों को बार बार कमीशन जाना चाहिए, उनको बोलना चाहिए हमको और ग्राउंड फ्राहम कीजिए, जहाँ उसको बताएं अब जाके भाई यहाँ पर कीजिए, तो इंशाल्लाह अच्छा है। देखिए मैं इसमें अब जिसमें इसी यहाँ एक बच्चा रेहान है, बड़ा अच्छा है, और ये बच्चे और कुछ बच्चे हैं ये ऊपर जा सकते हैं, बच्चे में बड़ी क्वालिटी है, इनको प्रॉपर गाइडेंस तो जाएंगे। सर, यू हैव बीन द मैन बिहाइंड क्रिएटिंग फुटबॉल रेवोल्यूशन इन गुलबर्गा सिटी, यू ऑलरेडी हैव स्टार्टेड द कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन, देयर इज ऑलरेडी लीग गोइंग ऑन, सो व्हाट इंपैक्ट डू यू थिंक द एरिया वाइज फुटबॉल फील्ड सच लाइक दिस विल क्रिएट इन द यूथ? सी, एज वी आर हियर इन गुलबर्गा, एज यू आर अवेयर, वी डोंट एक्चुअली हैव अ डेडिकेटेड फुटबॉल ग्राउंड, सो हैविंग ग्राउंड्स लाइक दिस इन मेनी प्लेसेस विल डेफिनेटली हेल्प इम्प्रूव द टैलेंट एंड द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल हु वांट्स टू प्ले फुटबॉल। सी, व्हाट इज द प्रॉब्लम परहैप्स विद इंडियन फुटबॉल एज वेल एज ऑफ नाउ, इवन दो वी हैव अ ह्यूज पॉपुलेशन, बट द बेस ऑफ प्लेयर्स हु प्ले फुटबॉल इज क्वाइट लो, एंड दैट इज यूजली बिकॉज ऑफ पॉजिटिव ग्राउंड्स। सो इफ यू कैन गेट सच काइंड ऑफ ग्राउंड्स इन मेनी प्लेसेस, देन इट मीन्स लाइक
people will have a chance to come and play football. Once we have a bigger base of population who plays football, then naturally talent will also emerge from among that population. I've seen here in Gulbarga, many of the players are very skilled, highly talented. But that lack of playing opportunity has hampered their development. Because there are no football grounds, so we don't have any proper infrastructure, nor do we have like proper coaches. So fortunately now in the last 1 year, our coach Hakim sir has also been here with us. So under his coaching as well, so many of the players have improved their gameplay. Currently from the side of the station, we are doing our best to organize as many footballing activities as possible. We have arranged, we have already conducted 3 tournaments here in Gulbarga. The last one was this inter-district football tournament in which 13 teams from 12 districts participated, and fortunately our Gulbarga team had won the tournament. Gulbarga City Police, we came up with an idea of having small sports arenas in the city, which will help the youngsters to develop sports also. At the same time, it helps us police in coming very closer to the youngsters. So when this idea was put forth to our corporation commissioner, he was magnanimous enough to give us this ground and also develop the lighting and CCTV and all. So similarly in the city, with wherever land is available, along with corporation, along with sponsors, we will develop different types of sports depending upon the availability. Okay, then sir, I told about Tarfil. Do you have any prospect like that? Yeah, definitely. Wherever we get some space, for example, now also there are around 20 places in the community halls where we have got space. We have installed volleyball courts and badminton courts. For example, Hirapur, there is one volleyball court. Rajapur Circle, there is one. Gubbi Colony, we have made one volleyball court. So you see that the Kalburgi City Police and Kalburgi Corporation will always be promoting the sports, and wherever we get the space and wherever we get the interest from the general public, local public regarding the initiative for sports, we are doing it. And ki wo hai ke sports Gulbarga mein badhawa dena chahiye usko, aur usme acche se acche bacche na sirf cricket mein balki hockey aur football mein bhi tawajjuh laaye, volleyball mein tawajjuh laaye, taaki ये जो शाम की जो बेकारी है हमारे नौजवानों में, वो स्पोर्ट्स में तब्दील हो जाएं और वो अपने आप को मसरूफ़ रखें. कम से कम उसमें हेल्थ बन जाएगी, और यही मंशे को लेकर पुलिस डिपार्टमेंट की मदद की है ख्वाजा एजुकेशन सोसाइटी और केवीएन यूनिवर्सिटी की तरफ से. हम जो हो सकता था हम अपनी तरफ से उसको लाए हैं. सज्जादा नशीन के हुक्म पर उन्होंने मुझे ज़िम्मेदारी दी थी, तो उसका हम जितनी मदद कर सकते थे यहाँ पर किए हैं. और ये मेरा पुलिस डिपार्टमेंट के लिए बहुत मुबारकबाद वाली बात है कि इतना अच्छा इनिशिएटिव लिए हैं कॉरपोरेशन के साथ मिलकर, और हम चाहते हैं ऐसे और प्लॉट्स अगर निकलेंगे तो बहुत अच्छा होगा गुलबर्गे के डेवलपमेंट के लिए स्पोर्ट्स के. रहमान मस्जिद के बाजू जो ग्राउंड जो बहुत ही ख़राब कंडीशन में था, आज पुलिस डिपार्टमेंट और यहाँ के मस्जिद कमेटी की जुम्मेदारान और एरिया के नौजवान और बुज़ुर्ग सभी का इसमें शामिल है कि वो इस ग्राउंड को डेवलप करने के लिए हमको भी मौका मिला कि कुछ इस ग्राउंड में मदद करने का. इसलिए हम भी पुलिस डिपार्टमेंट सतीश कुमार साहब का और लड्डा मार्टिन सर का, जो इस फुटबॉल के गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के अब कुछ प्रेसिडेंट भी बन गए हैं, उनको भी मुबारकबाद देता हूं और तमाम एरिया वालों को भी मुबारकबाद देता हूं. वालेकुम. मैं हाउसिंग बोर्ड के लोगों को मुबारकबाद ही पेश करना चाहूँगा कि आज फुटबॉल ग्राउंड का पुलिस डिपार्टमेंट ने ये ग्राउंड को तैयार किया है जवान नौजवान बच्चों के लिए. मैं ख़ुद भी जो है पोलो खेलता हूँ, हॉर्स पोलो, और मैं ख़ुद भी स्पोर्ट्स को बहुत सपोर्ट करता हूँ. और पुलिस डिपार्टमेंट को ख़ास खसूसी तौर पर लाडा मार्टिन साहब को और सतीश कुमार साहब और डीसीपी साहब किशोर बाबू साहब को मैं मुबारकबाद ही पेश करना चाहूँगा और शुक्रिया अदा भी करना चाहूँगा. इवन नवीकृत मैदान उद्घाटन मान्य कमीशन साहब के ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸಮುದಾಯದತ್ತ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ವೇದವಾಕ್ಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗೋದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸಹಕಾರ, ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ಈ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ದುಶ್ಚಟಗಳು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಭಾಗಿಯಾಗಬಾರ್ದು.
ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ. ಆಜ್ ದೇಖಿಯೆ ರಹಮಾನ್ ಮಸ್ಜಿದ್ ಕೆ ಬಾಜಕ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಲೋನಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲೋನಿ ಕೆ ಜೊ ಪೀಚೆ ಯೇ ಗ್ರೌಂಡ್ ಹೇ ಜೊ ಯೇ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪಹಲೇ ಥಾ ಪೂರಾ ಖರಾಬ್ ಹೋ ಗಯಾ ಥಾ ಬಚ್ಚೆ ಬೈಠನಾ ಕರ್ನಾ ಕರ್ತೆ ಥೆ ಔರ್ ಥೋಡೆ ಬಹುತ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಥೆ ಕೆ ಗಾಂಜಾ ಪೀತೆ ರಾತ್ ಮೇ ಗಲಾಟಾ ಕರ್ತೆ ಬೋಲ್ ಕೆ ಇಸ್ಲಿಯೆ ಯೇ ಹೈಯರ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಹಮಾರೆ ಕಮಿಷನರ್ ಸಾಹಬ್ ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪೆ डीसीपी साहब और हमारे एसीपी साहब और हम मिलके ये ग्राउंड को आप लोगों का जो कॉलोनी में रहते और बहर रहते उनका पूरा सहयोग से ये ग्राउंड को पूरा रिनोवेट करें। सीसी कैमरा का सर्वेलेंस है, इसका ऑनलाइन हम मोबाइल में डाल लिए और सब देखते रहते, इसलिए ये टोटल 8 सीसी कैमरा है पूरे ग्राउंड को कवर कर रहे। एक सीसी कैमरा 50 मीटर कवर करता, 50 मीटर कवर करने के 8 सीसी कैमराज है। सिर्फ खेलने के लिए इस्तेमाल करना और अच्छा वॉकिंग कर सकते हैं आप लोग, फैमिलीज है, वॉकिंग ट्रैक है, रात में वॉकिंग कर सकते हैं। सभी मीडिया वालों को और हमारे हायर ऑफिशियल्स को, हमारे पुलिस को, सब पब्लिक है, जो लीडर्स है, सबका मैं शुक्रगुजारता हूँ। आज हमारे रोजा थाने के लिमिट में आज बच्चों का एक क्रीडांग ओपनिंग करे हमारे बड़े साहब, और हमारे लिए ये हमारे रोजा लिमिट में जो क्राइम बढ़ रहा है, बच्चे क्या है वो नशे की चीज़ें करके वो कहीं तो फालतू में टाइम वेस्ट करते, इसके लिए यहाँ के बच्चे जो है ना रोजाना इधर स्पोर्ट्स खेलने के लिए अच्छा एक बड़ा क्रीडांग बना है, और हमारे बड़े साहब लोग इस क्रीडांग को उद्घाटन करके सारे निवासियों को एक अच्छे रास्ते पर लाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं।